हाय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और झटपट साबूदाना खिचड़ी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही खिली खिली से बनती है। आप इसे नाश्ते के लिए बना सकते हैं या फिर व्रत में खाने के लिए बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल गर्म कर लिया है। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप सेंगदाना। इसे भून लेते हैं, कुछ टाइम तेल में फ्राई करेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा इसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। सेंगदाने को निकालने के बाद आपको इसे ग्राइंड करना है, तो आप चाहें तो इस तरह से इसे दरदरा सा पीस लें या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल के आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने इसे पीस लिया है। नेक्स्ट सेम पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाए मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, ये मैंने 1 से 2 हरी मिर्च ले ली है। साथ ही में इसमें डाल देते हैं कड़ी पत्ता। इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह पकाएंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 आलू, जिसे मैंने उबाल के छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो कच्चे आलू को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं, लेकिन वो पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। नेक्स्ट अब मैं इसमें ले रही हूँ साबूदाना, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया था। ये सॉफ्ट हो गया है, लेकिन साबूदाना भिगोते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, भिगोने से पहले आपको उसे 3 से 4 बार साफ़ पानी से धो लेना है और फिर उसे उतने ही पानी में भिगोना है जितना साबूदाने का लेवल है। तो आपको सेम लेवल में भिगाना है, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें और फिर अच्छे से उसका पानी स्ट्रेन कर लें, तो उससे आपकी जो खिचड़ी है वो कभी भी चिपकेगी नहीं और बिल्कुल खिली खिली सी बनेगी। नेक्स्ट मैंने साबूदाना भी डाल दिया है, इसमें जो सिंगदाने हमने दरदरे से पीसे थे वो भी डाल दिए हैं। साथ ही में नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक का यूज़ कीजिए। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसे कवर करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये वाइट से थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं, मतलब हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी खिली खिली सी बनी है, बिल्कुल नहीं चिपक रही है। अब इस पे मैं 1/2 नींबू स्क्वीज़ कर दूंगी, इससे जो है थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और अब बस इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारी साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी खिली खिली बनी है, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।